ओके सो या गाइस, तो मैं हूँ आपका रोहित चंदने और आज का ब्लॉग थोड़ा यूनिक होने वाला है। सो आज थोड़ा स्पेशल ब्लॉग होने वाला है क्योंकि मैं आया हूँ, आज हम लोग आए हैं पिंपरी स्टेशन पे। एक्चुअली घर से निकलने के लिए लेट हो रहा था तो पिंपरी स्टेशन आके मैंने ब्लॉग चालू किया है। सो आज का ब्लॉग यूनिक इसलिए होने वाला है क्योंकि आज मेरी फैमिली आई है और पुणे में पहली बार, तो उनको मुझे पुणे पूरा घुमाना है। सो आज फर्स्ट डे है तो हम लोग जा रहे हैं लोनावड़ा, तो देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या करते हैं, कैसे मस्ती वगैरह सब कुछ करेंगे। सो चलिए मैं आपको अपनी फैमिली से मिलाता हूँ। सो मिलिए पहले मेरी मम्मी से। हाय बोलो। ये बड़ी मम्मी, ये दीदी, ये दीदी की लड़की, ये कौन है पता नहीं। सो अभी हम सब लोग जाने वाले हैं लोनावड़ा। सो अभी लोकल आने की है, सो वेट करते लोकल का। हम अभी लोनावड़ा स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। एक्चुअली मैं गाइज, इन लोगों का फर्स्ट टाइम लोकल का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा यूनिक था। सो इनके ही मुँह से जानते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा था लोकल में। सो देखते हैं और कंटिन्यू करते हैं। लोग फर्स्ट टाइम लोकल का एक्सपीरियंस कैसा था? आ दीदी कसं वाटलं? फक्त चांगलं। मम्मी कसं वाटलं? कस वाटलं लोकल मध्ये बसून? छान वाटलं। आणखी फक्त छान छान वाटलं, मजा वाटून राहिली मला आल्याबद्दल। पाऊस पाऊस पण खूप आहे, बहुत ज्यादा बारिश चालू आहे गाईज। थोडा हिंदी मराठी का ऍडजस्ट कर लेना आप। अरे बहुत मजा आया। एक्चुअली मैं गाइज, हमारे साथ थोड़ा इंसिडेंट हो गया था क्योंकि लोकल रुकते हैं बहुत कम समय के लिए और ये सब लोग लोकल से उतर चुके थे और बाद में फिर से चढ़े। इतने में लोकल जा रही थी तो हमें चढ़ती लोकल में चढ़ना पड़ा। सो ये हमारे साथ थोड़ा इंसिडेंट हो गया लेकिन बहुत मजा आया इन लोगों को। सो चलो कंटिन्यू करते आगे। तो गाइस अभी जस्ट बारिश थोड़ी कम हो गई है और सब लोगों ने अपना आउटफिट चेंज कर लिया, मैंने भी अपना आउटफिट चेंज कर लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं अब बुशी डैम की तरफ, इधर नहीं है, इधर नहीं, उधर है, उधर है, उधर है, उधर उस साइड है बुशी डैम, उस साइड है। इधर से जाना पड़ता है, इधर से जाना पड़ता है। अभी जो नीचे पानी है और वो देख रहे हो आप, आगे सामने बुशी डैम है, वहाँ पे हमें जाना है। सो चलते हैं अभी, चलो चलो पानी से ही जाना पड़ेगा। और मैं पहन के आया हूँ शूज, तो मेरे शूज अभी गीले हो जाने वाले हैं। एक्चुअली मैं मुझे चप्पल ही पहन के आना चाहिए था। पानी ही पानी है। ये लोग बोल रहे हैं कि ऐसा तो हमारे गांव में भी रहता है, इसमें कौन सी नई बात है, क्या बोलना चाहिए बड़ी मम्मी? अच्छी बड़ी नद है यहाँ पे, कैसा लग रहा है लेकिन? बड़ी है। अच्छा अच्छा, तो बाद में जाना है पड़ता। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, सिर्फ अच्छा ही लगता है। हाँ कैसा लग रहा है आदू? गाइस देख सकते हो ये लोग कहीं भी चालू हो जाते हैं, अपना कहीं पे भी नाचने लग जाते हैं ये लोग ऐसे ही है वैसे ही। चलो 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 आगे चलो चलो, इधर ही टाइम पास नहीं करना है पूरा हमें। अरे गाने बज रहे हैं मोदी मम्मी। यार क्या मेरा व्लॉग है, मैं ही नहीं दिख रहा हूँ, सबसे ज्यादा एंजॉय तो ये लोग कर रहे हैं। अरे बड़ी मम्मी एंजॉय हो रहा है कि नहीं? अच्छा अच्छा, एक नंबर एंजॉय कर रहे हैं, सबसे ज्यादा एंजॉय बड़ी मम्मी कर रही है। और ये दोनों का क्या चालू है?
कैसा लग रहा है नजारा देखिए। अच्छा लग रहा है नजारा और बारिश भी आ रही है। पहली बार ही देखा है। अरे बारिश चालू हो गई गाइस, चलो पानी में चलते हैं, वैसे भी गीला ही होना है। और आप पीछे का नजारा देख सकते हो, बहुत ही सही नजारा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है सब कुछ। बड़ी मम्मी नजारे को देख के आप क्या कहना चाहेंगी? बकवास लगता है। अरे अरे अरे, इन लोगों का अभी फोटोशूट चल रहा है, हम सब लोग अभी फोटोशूट वगैरह करते हैं। भूसी डैम अभी सबसे पहले हम लोग कुछ खा लेते हैं, सामान वामान रखते और फिर डैम पे चलते। बारिश भी चालू है और ऊपर से हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे ट्रैकिंग, क्योंकि हमें जाना है झरने पे और सब लोगों को मैं अभी लेके जा रहा हूँ ट्रैक पे। सब लोग अभी चढ़ रहे हैं। अरे अरे बहुत मजा आ रहा है गाइस। हाँ, बड़ी मम्मी कैसा फील कर रहे हो आप? बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। हलू हलू हलू, पहली बार बड़ी मम्मी की ट्रैकिंग हो रही है ये। बड़ी मम्मी बहुत एंजॉय हो रहा है उनका। बोलिए गाइस, देख रहे हो पूरा पीछे का नजारा, बहुत ही सही नजारा है गाइस, बहुत ही प्यारा लग रहा है सब कुछ। लोनावला आने का सही मजा मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे झरने वगैरह, यहाँ पे हमारा फोटोशूट चालू है गाइस। हम लोग वैसे तो 2 घंटे होते आए हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे घूम ही रहे, एक्सप्लोर कर रहे हैं पूरा लोनावला। आए हैं तो कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करके ही जाएंगे। अच्छा चलो गाइस, वैसे तो मुझे एक चीज का बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मैं इन लोगों को लेके तो आए हूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऐसे मतलब फिसलन बहुत ज्यादा है, सो मेरे को ये डर लगता है कि कोई गिर विर ना जाए। बस सब लोग ऐसे आराम से चलो एकदम। अभी हमें झरने के बाद जाना है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वो झरना दूर 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 दिख रहा है हमें। पीछे मम्मी और बड़ी मम्मी ऊपर रुकने वाली है और हम लोग आगे जाने वाले हैं, क्योंकि आगे देख सकते हो पूरा ये आगे पानी पानी है गाइस। देखो ऐसा पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ चल रहे है, लेकिन अच्छा है। तो अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ यहाँ का सबसे प्यारा नज़ारा गाइस, देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है सब कुछ। तो चलते हैं अभी। गाइस देख सकते हो यहाँ पे सब लोग पूरा एंजॉय हो रहे हैं। अभी मैं आया हूँ झरने से, हम सब लोग, हम तीनों गए थे वैसे, दीदी गया था, भाई गया था और मैं गया था, और मम्मी और बड़ी मम्मी वहाँ पे वेट कर रही थी। इतने देर यहाँ पे रुक के उन्होंने क्या किया पूछते उनसे। हाय, अभी नाला हो चुका है। ओ, क्या क्या देखा अभी आपने? धाड़ी का डोंगर, काय हवा, काय मौसम, बहुत मजा। ओके सो या गाइस, तो ऐसी थी हमारी लोनावला की पूरी ट्रिप, पूरी जर्नी। सबने बहुत ही ज्यादा इंजॉय किया है यहाँ पे, और आपको ये लोनावला का ट्रिप अच्छा लगा रहेगा तो याद से लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।